हमारे राष्ट्रगान को सुनकर आपको बड़ा गर्व महसूस होता होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि ये राष्ट्रगान लिखा किसने? 7 मई 1861 को रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था और उन्होंने ही राष्ट्रगान लिखा है। जन गण मन की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही की है। रविन्द्रनाथ टैगोर बहुत ही होनहार किस्म के व्यक्ति थे। उन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं, जैसे बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है वो उन्होंने लिखा, श्रीलंका का राष्ट्रगान वो उन्होंने लिखा, बहुत सारी रचनाएं की हैं। पहले ऐसे भारतीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आए दिन सोशल मीडिया पर चलती हैं, लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिनके बारे में आपको नहीं पता है। टैगोर की एक लोकप्रिय किताब है द किंग ऑफ डार्क चैम्बर, चाहे तो आप इसे पढ़ भी सकते हैं, बहुत अच्छी किताब है। कुछ साल पहले ही अमेरिका में ये 45,000 रुपये की बिकी है, तकरीबन $700 की। ये किताब 1916 में मैकमिलन कंपनी ने प्रकाशित की थी, जो टैगोर के हिंदी में लिखे राजा नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद है। आपको बता दें कि रविन्द्रनाथ टैगोर का 3500 कविताओं का एक डिजिटल संग्रह भी है, जिसे आप कभी भी जाकर पढ़ सकते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने विभिन्न कलाओं में उपन्यास लिखे, विभिन्न प्रकार की शैलियाँ आती थी उन्हें, बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं ना, सुपर टैलेंटेड टाइप के इंसान थे। उनसे हर कोई जुड़ना चाहता था, उनका इतना सरल स्वभाव था कि जो भी उनसे मिलता था उनकी तारीफ करता था। स्वतंत्रता संग्राम में भी उनका भरपूर योगदान था। बहुत सारे ऐसे आंदोलन हैं जिनकी शुरुआत रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ही की थी। इतने महान कवि, लेखक, पेंटर, बहुत सारी कलाओं के धनी थे वो। उनकी कलाओं की वजह से उन्हें बहुत याद करते हैं। आज उनका जन्मदिन भी है, 7 मई 1861 को ही उनका जन्म हुआ था। चित्र बनाने का भी रविन्द्रनाथ टैगोर को बड़ा शौक था। चित्र बनाने में वे बहुत माहिर थे। बहुत सारे चित्र इस टाइप के चित्र बनाते थे ताकि वो पूरी दुनिया एक ही चित्र में जो बोलना चाहते थे वो दिखा देते थे। आपको बता दें टैगोर उस टाइम पे इतने प्रसिद्ध थे कि एक बार एल्बर्ट आइंस्टाइन ने उन्हें घर पर आमंत्रित किया था, भोजन के लिए आमंत्रित किया था। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी को कितने लोग पसंद करते थे, कितने लोग प्यार करते थे। महात्मा गांधी से भी उनके बहुत अच्छे संबंध थे। आज भी उनकी कई प्रदर्शनियां यूरोप, अमेरिका और रूस में लगी हुई हैं। विश्व प्रसिद्ध थे वो, सिर्फ इंडिया ही इंडिया में उनकी लोकप्रियता नहीं थी, विश्व में उनको जाना जाता था। और उन्होंने भारत को उस टाइम पे एक नई ऊर्जा प्रदान की थी। रविन्द्रनाथ टैगोर की वजह से भारत को जाना जाता था। उन्होंने उस टाइम पे कई देशों की यात्राएं की थी, बहुत सारे देश घूमे थे, जगह जगह का एक्सपीरियंस लिया था। रविन्द्रनाथ टैगोर की बहुत सारी प्रेम कथाएं प्रचलित हैं। माना जाता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर की भाभी को उनसे प्रेम हो गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई थे, उनकी पत्नी थी कादम्बरी देवी, उनको उनसे प्रेम हो गया। प्रेम क्यों हुआ? कादम्बरी देवी की शादी हुई थी 10 साल की उम्र में, बालिका वधू थी। रविन्द्रनाथ टैगोर भी उनकी ही हम उम्र थे उस टाइम पे। वो लोग साथ खेले, साथ पढ़े, साथ बढ़े, तो कादम्बरी देवी को रविन्द्रनाथ टैगोर से प्रेम हो गया। जब रविन्द्रनाथ टैगोर बड़े हुए तो रविन्द्रनाथ टैगोर के जो पिताजी हैं उनको ये रिश्ता थोड़ा भ्रम सा नज़र आया, इस रिश्ते में थोड़ा भ्रम नज़र आया, तो उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर की शादी मृणालिनी देवी से कर दी। उसके कुछ समय बाद ही कादम्बरी देवी ने जहर खा के आत्महत्या कर ली। इससे रविन्द्रनाथ टैगोर इतने शोक में आए कि उन्होंने उनके लिए एक रचना भी की जिसका नाम था भांगा हृदय, टूटा हुआ दिल। रविन्द्रनाथ टैगोर की बहुत सारी प्रेम कथाएं प्रचलित हैं। ये तो उनकी उनकी भाभी से ही प्रेम कथा थी, लेकिन बाकी बहुत सारी महिलाएं हैं उनके साथ रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रेम कथाएं प्रचलित हैं। माना जाता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर इतने सुंदर, इतने अट्रैक्टिव थे कि महिलाएं उनसे बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाती थी और एक तरफा प्रेम करने लगती थी। ये कहानियाँ हम आपको ऐबे ही नहीं सुना रहे, जो रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ रहे उनकी किताबों में इनका वर्णन किया गया है। देवेंद्रनाथ टैगोर रविन्द्रनाथ टैगोर के पुत्र थे। बंगाल के पुनरुत्थान में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी।
आज हम सब उनका जन्मदिन मना रहे हैं। आप सबको रविन्द्रनाथ टैगोर के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं शिवराज पटेल, बने रहिए फैक्ट मीडिया के साथ।